कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीजफायर उल्लंघन में शहीद हुए थे। पूरा राष्ट्र और हम सब लोग अमर शहीद हेमराज जाट की शहादत पर नमन करते हैं। उनकी ये शहादत देश के लिए हुई, सीमाओं पर वो दुश्मन देश से लड़ते हुए शहीद हुए। ये भदूण गांव के अजमेर जिले के लिए, राजस्थान के लिए गौरव की बात है। उनकी ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। यहाँ शहीद हेमराज जी को मैं नमन करता हूँ और उनके परिवार को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसे एक नौजवान सपूत को जन्म दिया जो आज देश की रक्षा करते हुए जिन्होंने बलिदान दिया वो अमर हो गए हैं। और मैं उन्हें उनको नमन करते हुए यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान भाज आ जाए। बच्चा 22 साल की उम्र में भारत माँ की आन बान शान के लिए शहीद हो जाए तो सही है कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले। वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो निश्चित रूप से एक ऐसी नौजवान पीढ़ी जो देश के लिए जीना जानती है, देश के लिए मरना जानती है, हेमराज ने वाकई मर के जीना सिखाया लोगों को, तो हम लोग उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और नई पीढ़ी के लिए ये कारक होंगे जो बदलते भारत की तस्वीर को बदलेंगे।